Good evening and welcome back to our latest episode of In Conversation with. Today, we have with us someone who recently went viral on social media for his scathing remarks on the BJP. He is an academician who was affiliated with RBI. He has also been a director of the Institute of Chartered Accountants, Delhi. He, has, he is a professor of finance at XLRI Jamshedpur.

और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव ऑन फेसबुक एंड वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स काफ़ी साथी मैं आई रिक्वेस्ट देम ऑल टू सेंड इन देयर क्वेश्चंस देयर व्यूज देयर सजेशंस व्हिच आई कुड आस्क प्रोफेसर वल्लभ एंड इफ आई मे स्टार्ट सर आज अगर आप हमारी जो करंट इकोनॉमिक स्थिति है उसको एक वर्ड या कुछ चंद शब्दों में बताना चाहेंगे तो वो क्या रहेगा हमारी इकोनॉमी हमेशा से एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है पर चंद शब्द में अगर मैं बताऊं तो इकोनॉमी विदाउट एनी डायरेक्शन हम आज इकोनॉमी को टैकल कर रहे हैं एक डिजास्टर मैनेजमेंट की तरह हम जब डिजास्टर मैनेजमेंट शब्द यूज करते हैं जब कोई आपदा आती है तो उसका मैनेजमेंट किया जाता है पर इकोनॉमी का एक होलिस्टिक अप्रोच जो होनी चाहिए वो मिसिंग है जहाँ जैसे ऑटो सेक्टर में प्रॉब्लम आई तो वहाँ एक बैंडेड लगाई जी। फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आई वहां बैंडेड लगाई एफ पी आई फोन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में इससे अच्छा जो मेजर जो सर्जरी करने की आवश्यकता आपके आज के संवाद में चर्चा भी करूँगा और बताऊंगा तो मैं ये कहूंगा कि मार्केट इकोनोमी विच लॉस द डायरेक्शन आफ्टर मोदी जी टुक द चार्ज एंड मोर पर्टिकुलरली

उनको बहुत यू you नो know, उनको बहुत मिसलीड किया जाता है इंफॉर्मेशन के साथ सो so धूप पंडित पूछ रहे हैं कि अगर आप एक स्कूल के बच्चे को आग, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बता सके या समझाना सक समझाना चाहे तो कैसे करेंगे देखिए बहुत ही मैं कक्षा छः के स्टूडेंट को मेरे मानचित्र में रख के आपको अपना उत्तर दूंगा कि एक व्यक्ति है उसके पास कुछ सेविंग्स हैं वो सेविंग्स ना तो खर्च कर रहा है ना कंजम्पशन में डाल रहा है क्योंकि उसको डर है कि उसकी नौकरी नहीं चले जाए तो डिमांड पिक नहीं कर पा रही है क्योंकि जिस तरह का वातावरण है जिस तरह की रोजगार पे गहरा संकट आया हुआ है सेक्टर बाय सेक्टर मतलब गिर रहे हैं मैं आपको एक चंद एक आंकड़ा दूंगा और वो कक्षा छः के बच्चे को समझ में भी आएगा जमशेदपुर जैसा एक छोटा सा शहर है इंडस्ट्रियल शहर है पिछले दो महीने में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ 700 कंपनियां जमशेदपुर मात्र शहर में बंद हो गई पिछले दो महीने में जमशेदपुर जैसे छोटे शहर में तेरह हजार लोगों ने अपना रोजगार गंवाया पिछले दो महीने में जमशेदपुर में बड़ी बड़ी कंपनियां जहाँ ट्रक बनते हैं स्टील बनता है वहां चार चार दिन सप्ताह में कंपल्सरी लॉकआउट हो रहे तो मैं एक बच्चे को ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह का वातावरण है उसमें ना तो डिमांड पिक कर पा रही है ना सप्लाई साइड में लोगों को इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्यों नहीं हो रहा सप्लाई साइड में आ, आ, बार बार आंकड़े जो आ रहे हैं कि भारत के लोग पैसा भारत का दूसरे देशों में निवेश कर रहे हैं। जी तो ये एक तरह से ना तो आप सप्लाई कर पा रहे हो ना डिमांड कर पा रहे हो और डिजास्टर मैनेजमेंट कर पा रहे हो तो मैं उस बच्चे को ये कहूंगा कि इकोनॉमी आज ऐसी स्थिति में आ गई कि लोगों के पास छोटा पैसा है वो उसको बाहर नहीं निकाल रहे भय के वातावरण से डिमांड नहीं लोगों की मांग नहीं पिक कर पा रही और कंपनियों के पास कोई सप्लाई के ऑर्डर्स नहीं है तो वो खाली बैठे हैं तो ये एक ऐसा गहरा संकट में हम फंस गए और मैं आपके सवालों में कोई अगर पूछेगा तो मैं बताऊंगा अभी पर एक पॉइंट में जरूर आज अभी बताना चाहता हूं कि ये गहरा संकट में हम क्यों आए इसका बार बार हमें कहा जाता है कि वैश्विक मंदी है 2008 में जैसी वैश्विक मंदी हुई दुनिया के इतिहास में वैसी बहुत कम हुई बड़े बड़े अमेरिका के बैंक फेल हुए पर भारत के ऊपर उसकी आंच तक नहीं आई क्यों नहीं आई हमने तो नहीं कहा हम तो उस उस समय भी सात परसेंट आठ परसेंट से ग्रो किए क्यों किए क्योंकि कुशल नेतृत्व था देश में एक सोच थी एक विजनरी आदमी देश को लीड कर रहा था और वो डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं करने की कोशिश कर रहा था वो एक होलिस्टिक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश को देने की कोशिश कर रहा था तो आज जिस स्थिति में हम आए वो वैश्विक मंदी नहीं है मैं उसको कहूंगा कि वो मैनमेड जो डिजास्टर हुए हैं उसके कारण आज हम ऐसी स्थिति में आ गए कि हमारे युवा शिक्षित युवा को और आंकड़े पे आंकड़े आप आंकड़ों को झूठलाना बहुत इजी होता है पर मैं आपके सारे दर्शकों को बोलता हूं अपने आसपास के चार यंग लोगों का सर्वे करके बताओ कि कितने लोग शिक्षित हैं और क्या उनके पास रोजगार है और है तो क्या उनको एक उचित रोजगार का श्रम मिल रहा है आज मतलब बड़े बड़े कॉलेजों से इंजीनियरिंग एमबीए करके बच्चे हम बार बार अखबारों में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब एक फोर्थ ग्रेड चपड़ासी की नौकरी का आवेदन होता है तो पीएचडी होल्डर्स इन उसमें अप्लाई कर रहे हैं ये क्या ये ये क्या हो रहा है यहाँ इसको सरकार को बड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा और ये नहीं लिया तो हम इस कुचक्र से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे आपने बिल्कुल एक प्रोफेसर की तरह सबको समझाया दिस इज व्हाट इज नेसेसरी कि पीपल फ्रॉम एकेडमिक्स आल्सो वॉक इनटू पॉलिटिक्स सर अभी और साथियों का सवाल आ रहा है अनुप्रिया अनुप्रिया पूछ रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट के ऐसे कौन से डिसीजंस है रहे जिसे देश में आर्थिक मंदी का सिचुएशन आ गई है आप इसको दो भागों में समझिए इस सवाल को एक तरफ तो हमारा फॉर्मल इकोनॉमी जिसको हम संगठित क्षेत्र कहते हैं और एक तरफ है हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी जिसको हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं अब असंगठित क्षेत्र खत्म हो गया था नोटबंदी के बाद और संगठित क्षेत्र को आपने डेंट दे दिया जिस तरह से जीएसटी को लागू किया गया मैं बार बार कहता हूं ये सरकार जो है ये एक इसने एक उदाहरण दिया है कि किस तरह एक अच्छे कॉन्सेप्ट मारा जाए जीएसटी एक उसका उदाहरण है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो हम हमारे सरकारों में हम उसको आगे लेके गए जो लोग उसका भयंकर विरोध करते थे धरने देते थे उन्होंने उसको लागू किया कोई बात नहीं देश के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट था हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं हमें हमने उनका सहयोग किया आपको याद होगा और आपके दर्शकों को भी याद होगा पर हुआ क्या कि आपने आपने हेडलाइन मैनेजमेंट के कारण आपने आनंद में रात को 12 बजे संसद खुलवा दी आपकी तैयारी नहीं और आपने संसद खुलवा के ऐसे -ऐसे संगठित क्षेत्र का असंगठित तो उसके आठ महीने पहले नोटबंदी से खत्म हो ही गया था और संगठित क्षेत्र आपका जीएसटी से खत्म हो गया अब उसके बाद आप कह रहे हो कि इकोनॉमी चार परसेंट पे है पांच परसेंट पे है अभी तो ये तो अभी तो शुरुआत है क्वार्टर टू के नतीजे आने दीजिए आप क्योंकि क्वार्टर टू में इससे भयंकर रिसेशन होगा क्योंकि जो क्वार्टर अगस्त सितंबर अक्टूबर जुलाई में जो जो कंपनियों की प्रक्रिया रही उसके नतीजे क्वार्टर टू में आएंगे तो ये ये इस कारण से मैं कहूँगा कि ये दो ऐसे घाव थे और जो राहुल गांधी जी ने एक बार एक ट्वीट किया था मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ कि आप इकोनॉमी के सीने पे गोलियां मारते हो पहली गोली नोटबंदी से मार दी और दूसरी गोली आपने फ्लॉड इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी से गलत तरीके से जीएसटी लागू करके मार दी और जब आपको याद होगा गुजरात चुनाव के दौरान हम बोलते थे बार बार कि जीएसटी में आप कम स्लैब्स रखो आठ आठ सात सात स्लैब्स मत रखो तो हमें बता जाए बताया जाता था सरकार द्वारा कि मर्सिडीज और मिल्क कांट बी टैक्स टूगेदर पर अब आपको भी बात समझ में आ रही है अब आप कर रहे हो भर ये कोई देश है ये प्रयोगशाला नहीं है कि आप अपने प्रयोग यहाँ करो 135 करोड़ लोगों का जीवन आपके निर्णयों पर निर्भर करता है आज आपने अपने प्रयोगों के कारण एक युवा जो कुशल युवा जिसने एक एजुकेशन ली उसको कहाँ खड़ा कर दिया तो इस कारण से ये दो कारण हैं जिसके कारण से आप आज हम इस स्थिति में सॉरी बट दिस रिक्वेस्ट इफ यू कैन कमेंट ऑन द सेम इन इंग्लिश फॉर आर ऑडियंस इन साउथ इंडिया So, <clears throat> there are two issues because of which we are at the current state of affairs. The first, which had killed the informal sector, is the uh, demonetization, yes. a decision of demonetization. As suddenly at 7 o'clock, 8 o'clock in the night, you decide that, okay, that. That is not the way decisions has to be taken. Even I uh, from the newspaper sources, I came to know even finance minister, Reserve Bank of India governor is not uh, taken into confidence and you are taking these type of major decisions. And second, the informal sec a formal sector you had killed by a wrong and a flawed implementation of goods and service tax. I, if you recall, when the GST started, if a person is having business across the state every month he has to file more than 1000 returns so whether that gentleman that entrepreneur is going to do business or he is just going to file the returns only so these are the two decisions which had killed the economic issue the first is the demonetization decision and then followed by the flawed implementation of gst sure. you can't make an excuse that we are at current state of affairs because of the global trends, it is not because of global trends. we had seen extreme global recession of in year two thousand and eight, but the Indian companies were not at all touched by that economic recession. Mm -hmm. Why? because the decision making process the the person who was uh, heading the country, that person understand the issues and he took a right decisions at the right time so now we'll have to quickly take a few questions. We have a friend Kushagra Saxena. वो पूछ रहे हैं कि यू नो फॉलो अप क्वेश्चन आ रहा है कि ये सरकार ये मान रही है कि मिलेनियल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट है हमारी इकोनॉमी यूएस और चाइना से भी बेहतर है आपको लगता है सरकार डिनाइल में है या दूसरों को ब्लेम करने की साजिश में है देखिए मैं आपके दर्शकों को बड़े सरल शब्दों में एक चीज़ बताता हूँ आपके पास एक हज़ार रुपये जेब में हो और आपके पिताजी आपको दस रुपये दे दें तो एक हज़ार का दस रुपये एक परसेंट होता है जी है ना एक परसेंट ही होगा और अगर आपके पास सौ रुपये जेब में हो और आपके पिताजी आपको दस रुपये दे दें तो सौ का दस रुपये दस परसेंट होता है अब आप कंपेयर कर लेते हो कि भाई चाइना अरे चाइना की इकोनॉमी की साइज क्या है ये तो बताइए और एब्सोल्यूट वैल्यू में चाइनीज इकोनॉमी का क्या डेवलपमेंट है अमेरिका की इकोनॉमी की क्या साइज़ है उसमें कितना डेवलपमेंट है तो आपके एक हजार रुपए वाले का दस रुपए बढ़ा तो एक परसेंट ही बढ़ा सौ रुपए वाले का दस बढ़ा तो दस परसेंट बढ़ा इस तरह की भ्रामक चीजों को देश के युवाओं को गुमराह ना कीजिए और ये मिलेनियल को विले विलेनियल मत बनाइए। <laughs> जी जी मिलेनियल देश के प्राइड है देश को उन पे गर्व है और ऐसी ऐसी बातें करके कि आप नॉर्थ इंडिया के लोगों को आ, के अंदर स्पिरिट नहीं है उनमें योग्यता की कमी है कभी वहाँ के साउथ के यो लोगों में कमी है अरे कमी लोगों में नहीं है कमी आपके निर्णयों में है कमी आपके सोच में है कमी आपकी समझ में है तो ये जो किसने पूछा ये सवाल कुशाग्र ने हाँ कुशाग्र को मैं अच्छा सवाल इन्होंने पूछा उनका जवाब देना चाहूँगा कि आप हर चीज़ का ब्लेम आप देखिए एक एक बड़ी आप कोई भी प्रॉब्लम का ब्लेम क्वेश्चन पूछते हो सरकार से पहले तो कोशिश की जाती कि नेहरू जी को कैसे एंटर कराया जाए अब नेहरू जी को तो नहीं करा सकते छः साल से आप सो सरकार में फिर सोचा जाता चलो नेहरू जी छूट गए इंदिरा जी को करा दो चलो इंदिरा जी भी नहीं हो पाई तो चलो राजीव जी को करवा दो वो भी कैसे कराएं कराए मनमोहन सिंह जी को करा दो या और शास्त्री जी को करा दो नरसिम्हा राव जी को कोई नहीं हो पाया तो आप बोले क्या करें बोले इनके ऊपर ही ठीक रहा फोड़ दो इन युवा लोगों पे जिसके बारे में और पूरी दुनिया में आज भारत को भारत के युवाओं को ऊपर पूरी दुनिया को गर्व है उनको ऊपर फोड़ दिया गया कि ये ये अच्छा आप बताइए मिलेनियल गाड़ियां नहीं खरीद रहे इस बात का कौन सा आपका डाटा है बताइए और क्यों नहीं खरीद रहे कभी आपने ये सोचा क्यों नहीं खरीद रहे वो उनके पास पैसा होगा रोजगार होगा तो गाड़ी खरीदेगा कभी आप ओला उबर के ब्रांड एम्बेसडर बन के बातें करते हो ऐसे ना करिए आप अपनी जिम्मेवारियों को समझिए और देश को एक आ, वाइट पेपर इश्यू करिए कि आज क्या स्थिति है और इस स्थिति पे हम क्यों पहुंचे और सबको कॉन्फिडेंस में लीजिए आप हमको हमसे घृणा मत कीजिए हम आपको इस इस मंदी से भी बाहर निकालने की योग्यता हमारे पास है हमारे लोगों के पास है और हमने प्रूव किया है हम आपको आज भी हम आपके साथ मिलकर देश को इस भयंकर मंदी से बाहर निकालने के लिए तैयार है पर आप तो लोगों के ऊपर आप ब्लेम करो ब्लेम गेम से काम Sir, नहीं चलेगा सर मिलेनियल्स वैसे ही काफी दुखी है उस दिन से जब से हमने ये मैडम से सुना है mm. पर आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे ऑल दिस यंगस्टर्स आर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस हमारी एक फ्रेंड है बिनीत um, पांडे वो शी इज आस्किंग लाइक द बजट व्हिच वाज प्रेजेंट निर्मलाता निर्मला सीतारमण सेड दैट बजट प्रेजेंटेड विद अ 10 इयर्स विजन सर आपका क्या कहना है कितने यू ले लिए इस सरकार ने इस ये स्टेटमेंट करके मेरे को तो ये टेन डेज का भी विजन नहीं लगा क्यों <laughs> क्यों मैं उसका कारण दे रहा हूँ और मैं हम मेरे हर उत्तर का आपको तर्क दूंगा जी दस दिन के अंदर आपने जो एफ पे टैक्स और सरचार्ज लगाया था हुँ. अपने निर्णय को वापस ले लिया जी उसके बाद आ, आपने टैक्सेस का के अंदर आपने गिरावट करी आप जो निर्णय लेते हो और मैं तो कहता हूँ हम जो रूलिंग पार्टी और हमारे जो भी सांसद है पार्लियामेंट में बैठते हैं उनको पता ही नहीं उनको पता ही नहीं और बजट के डिसीजंस ले लिए जाते हैं क्या पार्लियामेंट में इस बारे में डिस्कस हुआ था क्या पार्लियामेंट से जो बजट अप्रूव हुआ उसके अंदर इन चीज़ों का जिक्र था तो ये विजन नहीं है ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट की कोशिश की जा रही है और इतने मैंने आपको दो यू टर्न तो बता दिए मजाक बना के रख दिए आप देखिए बड़े बड़े अखबारों के मेजर हैडिंग्स आ रही है कि बजट इन इंस्टॉलमेंट्स किस्तों में बजट और लोग उसकी मज़ाक में कहते हैं अगली किस्त के लिए इंतजार कीजिए दो सप्ताह दो सप्ताह बाद एक और यू टर्न का इंतज़ार कीजिए आप समझ नहीं पा रहे हो हम बार बार मांग कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में आपको एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में घोषित exactly. करनी चाहिए आपको हम लोग हम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए हमें बुलाना चाहिए हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, पर आ, आप नहीं मानते सर उस वही आपको रोकते हुए क्योंकि आप ये बात कह ही रहे हैं गौरव शर्मा वो कह रहे कि बिकॉज वी हैव टू बी कंस्ट्रक्टिव इन नेचर दो वी आर इन अपोजिशन सो वो कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि सरकार का क्या दिस, क्या डिसीजन लेना चाहिए जिससे डिमांड बूस्ट हो और इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर हो पाए दिस इज व्हाट द यंगस्टर्स इन इंडिया थिंकिंग और ये बहुत इन्होंने सकारात्मक सवाल पूछा है और इसका सकारात्मक जवाब भी मैं दूंगा देखिए एक संसद में प्रधानमंत्री जी ने मजाक बनाया था एक बार बोले थे मनरेगा को मैं कभी बंद नहीं करूंगा ये आपकी नाकामयाबी का एक जीता जागता उदाहरण है जबकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने क्या बोला कि आज़ाद हिंदुस्तान की पॉवर्टी एलिवेशन की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सफल स्कीम मनरेगा हुई तो आपने मेरे से पूछा कि क्या करना चाहिए जब तक लिक्विडिटी और पैसा जो बॉटम ऑफ पिरामिड पे है वहाँ तक नहीं पहुँचेगा आप सप्लाई साइड के इंटरवेंशन से इकोनॉमी को इस मैच से बाहर नहीं निकाल पाओगे इसलिए पहला तो आप ये करो कि मनरेगा को आप और सुदृढ़ बनाओ उस पर और बड़ा आवंटन करो क्योंकि उससे लिक्विडिटी डाउन द लाइन पहुँचती है दूसरा आप ये सोचो कि इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में को कैसे कैसे बढ़ाया जाए उसको बढ़ाने के लिए आपको एक बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा पिछले दो महीने में हमने देखा सूरत में एक बहुत बड़े रियल एस्टेट के व्यापारी ने खुदकुशी कर ली सीसीडी के चेयरमैन ने सुसाइड कर लिया इस तरह के वातावरण में कैसे आप बिजनेस करोगे किसान दुखी बिजनेसमैन दुखी नौजवान दुखी मैं, मैं मैं आपको पूछता हूं कि मतलब कौन कौन सा सेक्टर और कौन सा वर्ग है देश का जो आज इस इकोनॉमिक प्रक्रिया की हीट नहीं झेल रहा ले रिट्रेंचमेंट्स हो रहे हैं मैसिव रिट्रेंचमेंट हो रहे हैं नोटबंदी के बाद सीएमआई की रिपोर्ट है कि दो करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गवा दी और आप कह रहे हो कि नहीं कुछ नहीं हो रहा ये टेम्प्रेरी है हम इससे बाहर निकल जाएंगे आगे भविष्य सब अच्छा होगा भविष्य तो भारत का अच्छा ही होगा इसमें कोई दो राय नहीं है पर आपने ये जो मैन मेड डिजास्टर क्यों दिया हमको हमने ऐसा क्या बिगाड़ा था हम आठ परसेंट नौ परसेंट दस परसेंट की ग्रोथ पे ग्रो करने का सोच रहे थे और अनुकूल परिस्थितियां थी फिर भी आज हम पांच परसेंट और अगले क्वार्टर में मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि साढ़े चार परसेंट की ग्रोथ पे अगले क्वार्टर में आएंगे तो मनरेगा को स्ट्रेंथन करो पहली बात पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन को स्ट्रेंथन करो दूसरी बात और आप सप्लाई साइड जो जो इंटरवेंशन कर रहे हो उससे जब तक फायदा नहीं होगा जब तक डिमांड नहीं जैसे मैं क्या आपको सरल शब्दों में बताऊं कि आपने कंपनियों की टैक्स रेट कम करी है अब कंपनी की टैक्स रेट कम करने से आपकी उत्पाद की वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि टैक्स कम लग रहा है पर आदमी के पास पैसा ही नहीं है वो कैसे खरीदेगा आप सौ रुपए की चीज आपने कम करके पंचानवे में कर दी पर पंचानवे रुपए होंगे जब वो उस चीज का क्रय कर पाएगा ना हुँ। तो इस खरीदने को हम डिमांड साइड बोल रहे हैं और ये सौ से पंचानवे हुआ ये सप्लाई साइड बोल रहे हैं तो इस, इसको डिमांड साइड को क्रिएट करने के बारे में सोचा जाए और लास्ट चुनाव से पूर्व हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम हमने कहा था भारत के मतदाताओं को जब हम आशीर्वाद मांगने गए थे तो हमने न्याय स्कीम की बात करी थी और न्याय स्कीम डीमोनेटाइजेशन नहीं रीमोनेटाइजेशन की स्कीम थी रीमोनेटाइजेशन मतलब आप जिन लोगों के घरों से आपने लिक्विडिटी निकाल ली उन लोगों के घरों में हम लिक्विडिटी पहुंचाना चाह रहे थे आपको न्याय स्कीम से जरूर आपको तकलीफ हो सकती स्कीम का नाम चेंज कर दो

So, that was a, a, a reduction of the corporate tax for the manufacturing, new manufacturing companies. It was 25 to 15, and for other companies, uh, 32 to 25 percent. Ah, 22. Okay. I think he, he, he okay. had uh, mistyped or something. Okay. So, I, I think uh, uh, that's what I think I had answered, but again, I am answering because it's a very pertinent point. I have two, uh, four issues on this. Number one. नंबर फर्स्ट इश्यू इज दैट दैट बाय दिस वी आर गोइंग टू लूज 1.45 लाख करोड़ रुपीस ऑफ रेवेन्यू एक लाख पैंतालीस हजार करोड़ की रेवेन्यू में हमारी कमी आएगी वो कहाँ से लाएंगे मैडम सीतारमन जी हमें ये देश को ये भी बता देती इससे हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा सी की एक रिपोर्ट है पिछले साल के बारे में हम नहीं कह रहे सी बोल रही है कि जो आप तीन पॉइंट तीन परसेंट फिजिकल डेफिसिट दिखाते हो वास्त वो वास्तव में पॉइंट लिया कि आप सप्लाई साइड इंटरवेंशन से कब तक रिवाइवल की सोचोगे लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने की बात करो मैं बार बार मैंने कई जगह कई प्लेटफॉर्म पे बात करी कि एक ऐसा सेक्टर बताया जाए जिसकी टॉप लाइन टॉप लाइन हम कहते हैं टेक्निकली सेल्स को mm -hmm. रेवेन्यूज को जिसकी टॉप लाइन में 25 से 35 परसेंट के बीच गिरावट नहीं हुई हो पिछले दो साल में एक ऐसा सेक्टर बता दीजिए ऑटोमोबाइल पैन कटलरी फोन बैग लैपटॉप कैमराज वट एवर आई एम सींग इन दिस रूम उन सब की बिक्री में पच्चीस से पैंतीस परसेंट की गिरावट आई तो ये ये क्यों आई क्योंकि आपके पास डिमांड लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है रोजगार नहीं है लोग जिनके पास रोजगार है उनके सैलरी में भयंकर कटौतियां की जा रही है तो कैसे होगा तो फॉलो अप क्वेश्चन मैं कि एक मिनट लव का जी, जी, जो पूछा है जी, उसका जवाब दे दू तो पहला तो मैंने आपको ये बताया कि सप्लाई साइड से काम नहीं होगा डिमांड को भी जनरेट करना पड़ेगा दूसरा ये फिजिकल डेफिसिट आप कैसे इससे पूरा करोगे तीसरा एक बड़ा पिक सवाल मैं पूछता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी से अगर वो ये फेसबुक लाइव से देख पा रही है या हमारे जो लोग उनसे पूछ सकते हैं कि मैम आपने तो पार्लियामेंट की गंभीरता और भूमिका पे ही सवाल उठा दिया जी आप पार्लियामेंट में बजट पास कराते हो और यहाँ एक महीने बाद अब बड़े बड़े निर्णय करते हो तो मैम उस बजट में इसका मतलब आपकी बजट जो आपने पास कराया उसकी आपकी प्रीपेडनेस ही नहीं थी आपको पता ही नहीं था कि आने वाला समय कैसा होगा बजट तो वही तो बजट होता है कि आप फोरकास्ट करो कि आने वाला समय कैसा होगा आप कर ही नहीं पाए थे जब भी आप निर्णय पे निर्णय बदल रहे हो और चौथा विश्वसनीयता आपको मैं बताऊ और एक आंकड़ों सहित बताऊंगा आपने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अपना पैसा बाहर निकालना चालू कर दिया क्योंकि आपने उन पे टैक्स लगाया आपने आनंद में अपने निर्णय को बदल दिया पर एक बार जो मोमेंटम बाहर निकलने का चालू हो गया तो उसके बाद आपने भले उसका यू टर्न भी ले लिया तो वो वापिस पैसा नहीं आया नहीं। वापिस क्यों इससे आपकी विश्वसनीयता बजट मेकिंग की विश्वसनीयता पे सवाल होंगे तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों के साथ साथ डिमांड साइड को भी सोचे और वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से छोटा सा एक सवाल है क्योंकि मैं भी एक छोटा करदाता हूँ आपने इनको तो दे दिया पच्चीस परसेंट से पंद्रह परसेंट और जो छोटे करदाताओं ने छोटे दुकानदारों ने आपको वोट दिया वो तीस परसेंट इंडिविजुअल टैक्स तीस परसेंट विथ सरचार्ज एंड विथ एसेस तैतीस परसेंट हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि आप हम जो रियायत कंपनियों को दे रहे हो वो हमको नहीं दे रहे तो ये एक 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 बहुत बड़ा एक बड़ा सवाल है इसके बारे में सोचो कि आपने जिन लोगों ने आप पे भरोसा किया कॉन्फिडेंस किया रियायतें आपने उनको नहीं दी पर हम तो फिर भी मैं इंडिविजुअली बोलता हूँ कि आप इससे अगर इकोनॉमी को रिवाइव होता हो तो हम तो उसके लिए भी तैयार हैं पर इससे रिवाइव नहीं होगा क्योंकि सप्लाई साइड इंटरवेंशन से फायदा नहीं होगा जब तक डिमांड नहीं जनरेट सर साथ ही बिलाल अहमद ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब ऑलरेडी आ चुका है वो पूछ रहे थे कि जो रेवेन्यू लॉस होगा इस डिसीजन के वजह से उसकी भरपाई कैसे करेंगे रिजर्व बैंक को लूट लेंगे <laughs> रिजर्व बैंक से ले आएंगे पैसा सर, और बो... कोई ओएनजीसी से ले आएंगे <laughs> और वहाँ नहीं मिला तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जो क्लेम धारकों का पैसा वहां से ले आएंगे देखिए इस तरह से आप 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 अपने रिसीट और एक्सपेंडिचर से देश नहीं चला पा रहे हो आपको रिजर्व बैंक के फंड्स जो है जो कि कंटिजेंसी फंड्स होते हैं जो जो कि रिजर्व बैंक विप, बहुत ही विपरीत आपदा होती है उसके लिए रखता है वहाँ से पैसा उठा लेते हो अब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जिसके अंदर एक फाइनेंशियली मैं आई विल यूज़ ए वर्ड फाइनेंशियली इलिटरेट लोग जो होते हैं फाइनेंशियली इलिटरेट लोग जिनको वित्त की जानकारी नहीं होती वो एक भारतीय जीवन बीमा निगम के विश्वास के साथ उसमें पैसा जमा कराते हैं आप उससे आईडीबीआई बैंक को बेल आउट करने की कोशिश करते हो आप उससे और बैंकों को पूंजीकृत करने की कोशिश करते हो देखो ये ये एक तरह से एक आम जो व्यक्ति जो पैसा दे रहा है उसका पैसे का आप उपयोग सही नहीं कर पा रहे तो मैं मुझे लगता है इसके ये पब्लिक सेक्टर से इससे पैसा लेने के बाद अलावा इसमें कोई हमारे पास दूसरा चारा नहीं है नहीं। क्योंकि जीएसटी के रेवेन्यूज़ बढ़ नहीं पा रहे डायरेक्ट टैक्स के रेवेन्यूज बढ़ नहीं पा रहे बजटेड जो जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स के बजटेड टारगेट्स थे वो हम अचीव नहीं कर पा रहे तो अब हमें ऐसे ही रिजर्व बैंक के कंटिजेंसी फंड से, से पैसा लेना पड़ेगा एल पड़ेगा सी से पैसा लेना पड़ेगा तेल <laughs> जो है है, उनके रिजर्व से पैसा लेना पड़ेगा मुझे लगता उस पैसे का उपयोग एक तेल की कीमत कम करने में करा जाना चाहिए ना कि इन तरह की चीजों में दिस इज एक् वेरी फॉरवर्ड वी सैयद मकबूल सैयद मकबूल हमसे पूछ रहे हैं कि दे टॉकिंग अबाउट द डेटा ऑफ द गवर्नमेंट सरकार की डेटा में बहुत कमियां निकल के आई हैं चाह चा, uh, चाहे वो जीडीपी हो फल डिफिसिट हो या रेवेन्यू कलेक्शन हो गलत डाटा का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है मीन्स लाइक इट कैन ऑल्सो बी अ क्राइम बट वॉट इज लाइक गलत डाटा का इकोनॉमी पे क्या देखिए इन्होंने सवाल पूछा है पर मैं कहता हूँ डेटा आ रहा है ना <laughs> वो इसके लिए भी आप धन्यवाद दीजिए इस सरकार को क्योंकि कई सेक्टर्स का तो डेटा आ ही नहीं रहा है आप न्यूट्रिशन में कितना क्या रेट है न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसका तो डेटा ही बंद कर दिया ये कम से कम दे तो रहे हैं इसका फर्क बहुत पड़ेगा और बहुत भयंकर फर्क पड़ने वाला है आपकी जो रेटिंग एजेंसीज होती है इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज होती है आईएमएफ है वर्ल्ड बैंक है वो सब आपके डेटा पे हंस रही है बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट उसके लिए लेख लिख रहे हैं विश्वसनीयता आपने ख़त्म कर दी आप जीडीपी को बढ़ा के दिखाने के लिए आप बेस ईयर्स में छेड़छाड़ करते हो अरे मैं हमेशा कहता हूँ टेक्निकल से ज़िंदगी नहीं जी जा सकती आपको फंडामेंटल नहीं आता है ना तो आप टेक्निकल चीज़ों से आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते फंडामेंटली अगर आप वीक हो तो बार बार चिल्ला चिल्ला के वो डाटा कहता है कि मैं वीक हूँ मैं वीक हूँ मैं वीक हूँ mm. और इनका सवाल का जवाब कि इससे क्या फर्क पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश की विश्वसनीयता देश की साख में कमी आती है सर mm. मैनी so, पर मैं बताना चाहूँगी अगर हम यहाँ पे आपके सवालों का जवाब ना दे ना दे पाए मैं सर की तरफ से कहना चाहूँगी कि वो बाद में ट्विटर प्लेटफॉर्म से आपके सवालों का जवाब देंगे पर बहुत सारी सीरियस बात हो गई है सर और पहली बार मौका मिला है आपसे बात करने का पर जितना भी मौका मिला है मैं समझती हूँ कि आप आप एक ऐसे प्रोफेसर हैं जो जानते हैं कि सामने वाला क्या सुनना चाह रहा है और इसलिए मैं थोड़े से कम सीरियस सवाल अभी आपको पूछना चाहूंगी इफ यू अलाउ मी सर अगर मैं आपको कि टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग फाइनेंस मिनिस्टर्स वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ़ कोर्स मनमोहन सिंह जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मनमोहन सिंह जी के लिए मेरे पास और देश के पास सिर्फ एक ही शब्द है visionary. Visionary, जिसने right me, भारत की कल्पना उन्नीस में करी जिसने एक समृद्ध भारत एक न्यू मिडिल क्लास जो आज जो आज आप मैं हैं आप मैं आज हम इस पटल तक आ हैं, वो उन्नीस वो इकानवे के लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के निर्णय है तो एक विजनरी व्यक्ति बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह रहा जिसने नोटबंदी के बाद घोषणा कर दी कि दो परसेंट जी डी पी गिरी, 2 गिरी। तो ये ये एक विजनरी का लक्षण है और जब रिसेंटली उनके स्टेटमेंट आया है और, और उसमें उसमें उन्होंने आपने देखा हो आ, मैं एक प्रमुख समाचार पत्र में उनका एक साक्षात्कार पढ़ रहा था उन्होंने सरकार को सजेशन दिए पॉइंट बाय पॉइंट और दैट इज व्हाट कांग्रेस पार्टी इज नोन फॉर कि हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन पार्टी है हम विरोध नहीं करते आपका विरोध फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन वी डोंट अपोज वी गिव कंस्ट्रक्ट पर आप अगर हमारी बातों को ना सुनना चाहो अपने कान बंद कर लो हमारी बातों को अपने ईगो पे ले लो अरे दिगो पे मत लीजिए हम भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं उतने ही राष्ट्रवादी हैं जितने आप हैं हमारे अंदर भी भारत माता का ही खून है आप में भी भारत माता का खून है इसलिए आप निर्णयों को हमारे चीजों को सुनिए और इस मैच से हमको बाहर निकालिए सर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में जितना हम कहे कभी रहेगा पर अगले व्यक्तियों के बारे में रिक्वेस्ट है कि आप एक वर्ड जी, में जी, जी, आप जवाब दें ताकि हम और इंटरेक्ट कर पाए

I think I, I, if I, I want to advise her that she can't understand and handle economics. She is a good lady. Mm. There is no doubt about that. A lot of respect uh, for that lady personally, but she 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 doesn't understand ABC of economics. Okay, I hope people are watching this, and this is conveyed to the person concerned. So now, if I may ask you about like. You're a professor. I work with Professor Rajiv Gowda. वो हमें हमेशा कहते हैं ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो. आप अगर सजेस्ट करना चाहें, which would be that one book that uh, the younger generation must read and some book that we must like totally avoid. Only one book, if you want to read, I suggest to all my friends, all millennials also, mm -hmm. my experiments with truth. Mm -hmm. उसको padhiye उसमें आपको जीवन जीने की शैली मिलेगी आपको सोच मिलेगी आपको भारत का और इंडिया का आइडिया मिलेगा hmm. तो वन बुक विच सजेस्ट इज रिटन बाय महात्मा गांधी जी माय एक्सपेरिमेंट्स विद माय एक्सपेरिमेंट्स सर्टेनली सर आपका दूसरा सा, इसमें एक पार्ट है जो मैं उत्तर <laughs> देना चाहता था <laughs> जी. Uh, मैं उस बुक का नाम भी नहीं लेना चाहता पर उस बुक को मत पढ़ना मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ वो संजय बारू जी की एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर उस बुक को उस बुक का नाम भी नहीं लेना चाहिए पढ़ना तो दूर की बात है पर लोग तो पिक्चर है पिक्चर है तो सर आपका फेवरेट बीजेपी स्पोक्स पर्सन कौन सा है क्या इसका जवाब हम सबको पता है <laughs> <laughs> मेरे सारे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अच्छे मित्र हैं मैं हमेशा डिबेट के बाद कोशिश करता हूं अगर क्योंकि वो लोगों को बहुत काम रहता है ओ भी संभाल नहीं होती कई जगह जाना होता है तो मैं कोशिश करता हूँ अगर उनको कहीं जाना आना ना हो तो चाय पी ले मेरे साथ आ, पर और कभी कभार मुझे वो मौका भी देते हैं तो मैं सबका सम्मान करता हूँ पर मैं ज्ञान के आधार पर अगर बोलूँ तो मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को एक अच्छा व्यक्ति और ज्ञानवान व्यक्ति मानता हूँ सर ये आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो मेरे तरफ से आपको है, और मुझे लगता है काफी लोग भी इसके बारे में जानना चाहेंगे कि आदरणीय सम्मित जी ने आपके पांच ट्रिलियन वाले सवाल का तो जवाब नहीं दे पाए पर ऐसा कौन सा आसान सवाल होगा जो आप सम्मित जी को पूछना चाहेंगे नहीं मैं आपको आपने सवाल पूछा मैं दो मिनट इस पे जवाब देना जी बिल्कुल क्योंकि आपके काफ़ी दर्शक इसको सुनना चाहेंगे मैं कोई डिबेट में संबित जी को हराना या उनको नीचे दिखाना नहीं चाहता था मेरे लिए वो आज भी आदरणीय है और मैं इस मातृभूमि पे जितना मेरा हक है उतना ही उनका मानता हूँ मेरा ये एटीट्यूड नहीं है कि उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए वहाँ चले जाना चाहिए मेरा वो ना दृष्टिकोण है मैं उस सवाल से ये बताना चाहता था दर्शकों को कि आप अपने वादों पर कितना गंभीर है जी आप कितना आप जो बोलते हैं आपकी कथनी और करनी में क्या फर्क है क्या वो बताना चाहता था अन्यथा मैं उनको नीचा नहीं दिखाना चाहता था और मैं तो हमेशा अच्छा थोड़ा क्या है मैं प्रोफेसर रहा हुआ हूँ तो मैं क्वेश्चनिंग की मेरी आदत है मैं क्वेश्चन पूछता हूँ बीच बीच में तो मैं उनको अगर उनको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी संबित भैया इफ़ यू इफ़ यू गॉट हर्ड बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन मैं आपके मुझे पता है क्योंकि हो सकता है छठी सातवीं में पढ़ाया जाता है पर आपका वो वाला भूल जगह होंगे आप कितने साल हो गए और इतनी बड़ी पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पर मैं उनको ये बताना चाहता था कि आप कितने गंभीर हो अब जो बात आप कह रहे हो उसके प्रति आप कितना गंभीर हो और कभी मैं आ, आसान क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं यही पूछूंगा डिफाइन सेल जी <laughs> नहीं बहुत ही सरलता से आपने उस दिन भी उन्हें सवाल पूछा और बहुत ही सरलता से आज आपने सारे जवाब दिए आई थैंक ऑल द व्यूअर्स हु जॉइंड अस इन दिस एफबी लाइव एंड प्रोफेसर वल्लभ जी बहुत-बहुत धन्यवाद इट वाज अ प्लेजर हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू Stay tuned in. We will join you again with a new episode of In Conversation with. Thank you. Good evening, and welcome back to our latest episode of In Conversation with. Today, we have with us someone who recently went viral on social media for his scathing remarks on the BJP. He is an academician who was affiliated with RBI. He has also been a director of the Institute of Chartered Accountants, Delhi. He, has, he is a professor of finance at XLRI Jamshedpur.